आज हमारा विषय है झारखंड में उत्पादित गोंद एवं उसका जीविकोपार्जन में किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। जहाँ तक झारखंड में गोंद उत्पादन का सवाल है, यहाँ मुख्य तौर से यहाँ के जंगलों में कराया गोंद के पौधे, बहेड़ा गोंद के पौधे और चिरौंजी गोंद के पौधे बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे किसान भाई गोंद का उत्पादन ले सकते हैं। गोंद के उत्पादन में दो तीन फायदा ये है कि गोंद का उत्पादन ऐसे समय में किया जा सकता है जिसमें अन्य खेती बाड़ी का कार्य कम होता है। जैसे मार्च से लेकर जून तक का जो समय है वो गोंद उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऐसे समय में किसान भाइयों के पास दूसरा कोई कार्य नहीं रहता है गाँवों में, तो ऐसे समय में वो गोंद का उत्पादन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जब भी सुखाड़ पड़ता है तो गोंद का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो दूसरे अगर खेती में सुखाड़ पड़ने के कारण अगर पैदावार कम होती है तो उसकी भरपाई किसान भाई गोंद से उत्पादन लेकर के कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई अगर इस तरह से पौधे लगाते हैं तो पौधे लगाते हैं उसका लगाने का तरीका क्या होगा और कब तक इस तरह से तैयार हो जाता है ये? वैसे तो ये ऐसे पौधे हैं जिनके कि विकास में काफ़ी समय लगता है, लेकिन इस तरह के पौधे किसान भाइयों जहाँ जिन गाँवों में रहते हैं वहाँ के जंगलों के में इस तरह के पौधे बहुतायत संख्या में उपलब्ध हैं, उनसे वो गोंद का उत्पादन कर सकते हैं। अगर वो अपने खेत के मेड़ों पे इस तरह के पौधे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और वो 10-12 साल के बाद इतने बढ़ जाएंगे जिससे कि वो गोंद उत्पादन ले सकते हैं। तो अभी जो फिलहाल वनों में या गाँव के पास जो इस तरह के पेड़ उपलब्ध हैं कराया गोंद के या चिरौंजी के या पलाश के पेड़ से भी गोंद का उत्पादन कर सकते हैं। जहाँ तक सर झारखंड में इस तरह से पेड़ की किस्मों की सवाल है तो कौन कौन से किस्म लगाना बेहतर होगा? झारखंड में जहाँ तक गोंद के उत्पादन का सवाल है, यहाँ की जलवायु कराया गोंद, चिरौंजी गोंद, पलाश और बहेड़ा गोंद के लिए काफ़ी उपयुक्त है और इन पेड़ों का रोपण कर करके और ख़ास करके किसान भाई के जो खेत हैं उनके मेड़ों पे इन पौधों को लगा करके इससे गोंद का उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन किसान भाइयों के पास ये है कि जंगलों में उनके गांव के आसपास जो जंगल हैं उनमें इस तरह के पौधे कराया गोंद के पौधे, बहेड़ा के पौधे, चिरौंजी के पौधे और पलाश के पौधे बहुतायत संख्या में उपलब्ध हैं। उन पेड़ों से किसान भाई गोंद का उत्पादन ले सकते हैं और एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत उनके पास गोंद के उत्पादन से उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल, आम तौर पे जो ट्रेडिशनल मेथड है गोंद लेने का, इसमें पौधे में जब कोई इंजरी हो जाता है या उसमें कट जाता है तो उसके पौधे की सुरक्षा के लिए पौधा स्वयं गोंद का उत्पादन करता है जिससे कि वो कटे हुए भाग पे गोंद का एक लेप बन जाता है जिससे कि पौधे को और अधिक नुकसान नहीं होता है। तो ये जो कट लगता है पौधों पे जिससे कि गोंद का उत्पादन होता है, या तो ये प्राकृतिक तरीके से भी हो सकता है, अगर आंधी तूफान आता है तो पेड़ की डाली टूट जाती है तो टूटे हुए भाग से गोंद निकलता है, और दूसरा ये हो सकता है कि अगर हमें गोंद का उत्पादन लेना है तो हमें किसी औजार के माध्यम से उस पर कट लगाना होगा। अब ये देखना होगा कि हम बहुत बड़ा कट लगा देंगे तो पेड़ों को नुकसान हो सकता है, तो ये ध्यान देना होता है कि हम एक निश्चित आकार के कट लगाएं जिससे कि पेड़ों को भी नुकसान ना हो और गोंद का भी उत्पादन किसान भाइयों को लगातार मिलता रहे।